दोस्तों समय ज़्यादा ना लगे इसके लिए मैंने बटर, क्रीम और आइसिंग शुगर पहले ही फेंट ली थी और इस समय इसमें मैदा डाल करके चालू कर दिया हूँ। दोस्तों मिक्सिंग मेरी होने वाली है क्योंकि मैंने ज़्यादा समय ना लगे इसके लिए पहले से ही मिक्सिंग कर रखी थी और इसमें मैंने सारे इन्ग्रीडिएंट डाल दिए हैं। दोस्तों अब चलते हैं टेबल पर इसको निकालने के लिए। टेबल पे इस तरीके से आप आटे को छीट ले ताकि दो हमारे चिपके ना बेलते रहो। बेलना मैंने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बेल सकते हैं इसको अच्छे से जितना अच्छा चाहे आप। मोटाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ज़्यादा मोटी बिस्किट चाहिए या फिर पतली चाहिए उस हिसाब से आप अपनी साइज को कवर कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से अपना बेलना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे इस पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायल कीजिएगा CK MAITHLI, आपके सामने जो आइकन शो होगा हमारा वही हमारा पेज है, उसको आप फॉलो करें ताकि हमारे नई अपडेट आपको अन्य साइट्स पे भी उपलब्ध हो सके। इसी तरीके से फेसबुक, ट्विटर पर भी हमारे सेम वही है पेज सिक्के मैथिली के नाम से, आप उसको जाके फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैंने इस कुकीज़ के लिए पिस्ता का फ्लेक्स बनाया, मेरे पास पिस्ता का दाने थे तो उसको मैंने मशीन में फ्लेक्स कर लिया है। बाकी मेरे पास आलमंड के पहले से ही फ्लेक्स मौजूद है और इसमें मैंने काजू भी डाला है। चूँकि ये ड्राई फ्रूट कुकीज़ है तो आप इसमें जो एक्स्ट्रा चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। इसकी रेसिपी दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं और यूज करिएगा ज़रूर इस रेसिपी को और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ़िलहाल इस तरीके से मैंने इस पर आलमंड डाल रखे हैं। आलमंड डालने से पहले दोस्तों आपको क्या करनी है, फ्लेक्स डालने से पहले जो हमारी डो है उसके ऊपर आपको दूध से हल्की सी पॉलिश कर देनी है। उसके बाद आपको जो है इसके ऊपर आलमंड की फ्लेक्स, काजू की फ्लेक्स और ये जो पिस्ता फ्लेक्स है वो आपको डाल लेनी है अच्छी तरीके से। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उस हिसाब से आप डाल लीजिए। इस तरीके से मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इस वक्त। अच्छे तरीके से जब आप इसको डाल लें उसके बाद इसको दोस्तों आपको बेलना है। बेलने के लिए आपको क्या करना है, बटर पेपर लेनी पड़ेगी आपको, बटर पेपर की सहायता से इसको बेलनी है। क्योंकि ऐसा होगा बटर पेपर इसके ऊपर आप डाल के और बेलेंगे तो फिर आपका जो बेलन है वो डो में चिपकेगा नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इस वक्त बटर पेपर डाल करके बेलन चलाना स्टार्ट कर दिया हूँ। इससे क्या होता है आपकी जो नट्स है वो बराबर एक साइज़ की आएगी, कुकीज़ के हिसाब से आएगी, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं दिखेगा। और जब आपको इस तरीके से कर लेनी है उसके बाद ही आपको काटने शुरू करनी है कुकीज़ को। मैंने इस तरीके से बेल लिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसी के लिए मैंने छोटे छोटे टाइम में कट करके एडजस्ट किए हुए हैं। दोस्तों मैंने इसको बेल लिया है अच्छे तरीके से, अब मैं इसको काटने के लिए रेडी हूँ। मैंने दोस्तों कटर ले लिया इस साइज का, आप देख लीजिए वही नॉर्मली साइज, आपको जिस आकार का पसंद हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, आप उस साइज का काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर राउंड शेप का कटर लिया है और इस तरीके से आपको काटनी है। दोस्तों काटते वक्त आपको क्या करनी है, नोजल को आप मैदे में थोड़ी थोड़ी समय पर अगर आप डाल देंगे तो ये चिपकेगा नहीं, मतलब जो डो है वो चिपकेगा नहीं और जल्दी जल्दी में आपके अच्छे से निकलेंगे कुकीज़ निकलना तैयार हो जाएंगी। अब मैंने इसको दोस्तों ट्रे में लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी स्पेस डाल के इसको लगा लें। आप लगाने के बाद मैंने क्या किया है, साड़ी को पकने के लिए डालना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों मैंने इसको ओवन में डाल दिए हैं,
ओवन में डालने के बाद आपको टेम्परेचर सेट कर लेनी है, यहाँ पे 180 डिग्री करनी है। फिलहाल मेरे हीट 193 है, आप इसको 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए पका लें। दोस्तों मेरी कुकीज पक चुकी है, 20 मिनट के बाद मैंने निकाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, बहुत ही सुंदर लुक है, बहुत ही अच्छी बनी है कुकीज, देखने में एकदम क्रिस्पी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, लाजवाब बनी है। दोस्तों आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।